कविता सोनकर है, मैं प्रॉपर इंदौर से ही हूँ और मेरा कॉन्स्टेबल में हुआ है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी रनिंग करी ही नहीं थी और जब मैं सर के पास आई तो मुझे बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला। जब मैंने यहाँ फर्स्ट ट्रायल दिया तो मेरा टाइमिंग 4:02 आया था और फिर यहाँ ट्रायल देती गई मैं, यहाँ पर मेरा टाइमिंग आया था 3:50 और वहाँ मेरा टाइमिंग निकला 3:40। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपने माता पिता और अपने गुरु ओपी सर का जिनने मुझे पढ़ाया, जिनने मुझे यहाँ तक भेजा। सबसे पहले मेरे मम्मी पापा जिनने मुझे, मैं एक छोटे से गांव से हूँ, उनने इतना विश्वास किया मुझे यहाँ सिटी में, इतनी बड़ी सिटी में भेजा। अकेले ही रहती थी, किसी का सपोर्ट नहीं था, फिर अपने फ्रेंड लोगों से मिली, धीरे धीरे सब जुड़ते गए, किसी ने थोड़ा सपोर्ट किया, किसी का यहाँ से कहीं से पढ़ाई का, सब धीरे धीरे हुआ, किसी ने ग्राउंड बताया, फिर सर के पास लेके आए। बहुत लोगों ने, अगर मुझे सपोर्ट ना किया होता तो मैं यहाँ तक ना पहुँचती। सबकी सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है, इसीलिए मेरी भी सफलता के पीछे मेरे माता पिता, मेरे गुरु, मेरे दोस्त, सभी का सपोर्ट था। और ग्राउंड में सभी जानते हैं पन्ना के नाम से, और कभी मेरी रनिंग अच्छी नहीं थी, कभी भी नहीं, क्योंकि मैंने कोई गेम भी स्पोर्ट्स वाला कभी नहीं खेला था, ना कभी मैंने रनिंग वाला कोई काम किया था। जब मैं ग्राउंड पे आती थी सबसे ज़्यादा मक्कार करती थी मैं, सबसे पीछे दौड़ती थी, सबसे ज़्यादा सर का फोकस मेरे ऊपर रहता था। पहला ट्रायल दिया PTS में दिया था मैंने, पहला अपना ट्रायल तो एक राउंड पूरा लगाया था, दूसरा आधे में ही रुक गई थी। फिर जब मैंने लास्ट ट्रायल दिया था यहाँ सर के पास तो मेरा 4:24 टाइमिंग आई, फिर मेरा इसमें क्वालिफाई हो गया कॉन्स्टेबल में। तो मैंने कहा यार, सब बोलने लगे इसका हो तो गया लेकिन ये फिजिकल नहीं निकाल पाएगी, लेकिन अपने ऊपर और सर के ऊपर पूरा बस भरोसा था, क्योंकि जब मैं आई थी तो सर ने बोला था कि तुम रिटर्न तो निकाल लो लेकिन फिजिकल मैं निकलवा दूँगा, तो ये भी विश्वास था कि सर निकलवा देंगे। फिर सर जैसा जैसा बोलते गए मैं करती गई, फिर मेहनत और ज़्यादा, थोड़ी और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया मैंने। और फिर मेरा लास्ट टाइम कितना आया था, मैंने PTS में फिर अपना लास्ट ट्रायल दिया था, सर ने ही लिया था, तो मेरा 3:43 आया था। जब मैं वहाँ, फिजिकल था मेरा 21 तारीख को, तो मैं वहाँ फिजिकल देने गई तो मेरा 3:15 आया, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होगा, जब मेरा वो पूरा कागज आएगा तो मैं सर को खुद दिखाऊंगी कि मेरा 3:15 कहाँ से आ गया। वहाँ टाइम में 3 बार गई थी DSP के पास पहुँच कर, यार सही तो बता दो एक बार, लेकिन वो बोले अब तुम जाओ नहीं तो मैं इसको फाड़ के फेंक दूंगा अगर अब आई तो पूछने यहाँ। बस मैं तो यही कहूँगी कि जैसे ही रिटर्न स्टार्ट करो, पढ़ाई करना स्टार्ट करो तो फिजिकल भी स्टार्ट कर दो, क्यों पढ़ाई तो दिमाग से करते लेकिन फिजिकल में बहुत मेहनत लगती बहुत ज़्यादा। और ये सोचो कि रिटर्न जब निकल जाए तब फिजिकल की तैयारी करो तो कोई नहीं कर पाता, रिजल्ट देख लेना, ग्राउंड पे कई लोगों से पूछना जो फिजिकल के टाइम पे ही आए होंगे, जब वहाँ से कोई सेकंड से कोई 2 मिनट मतलब ऐसे टाइमिंग लाता है ना, बहुत दुख होता है जब वहाँ थाली परोसी रखी हुई है वहाँ छोड़ के आ जाओ, बहुत दुख होता है। इसीलिए पहले से तैयारी करो कि फर्स्ट टाइम में ही निकल जाए, मेरा फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम में ही निकला मेरा सर, 6 महीने की मेहनत। बहुत बड़ी बात बोले हैं कि जितना रिटर्न पर फोकस करो उतना फिजिकल पर भी। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारा रिटर्न निकल जाए फिर तो हम दोनों टाइम कर लेंगे, तीनों टाइम कर लेंगे और फिजिकल निकाल लेंगे। पिछली भर्ती का एक मैं बता दूं कि 7,000 पोस्ट थी, 70,000 लोग दौड़ने आए थे और 3,000 लोग भी दौड़ नहीं पाए थे, पूरी वैकेंसी पिछले 3 सालों से खाली गई है। इसी बार जो हुआ था इसी में देख लें, करीब सब इंस्पेक्टर को लिया जाए तो सब इंस्पेक्टर के कम 2,000 लड़के दौड़ने गए थे, मात्र 800 बच्चों ने फिजिकल निकाला है, बाकी सब फेल हो गए। तो फिजिकल को इतने हल्के में लें, फिजिकल उससे भी टफ है, खासतौर से SI का, इसलिए उतना ही फोकस करें रिटर्न पर जितना आप फिजिकल पर, दोनों पर बराबर रखें, एक सिक्के के दो पहलू की तरह।
लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, उसके बाद देख लेंगे कमियाँ क्या है, फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइम। ये कितने बार 12 बजे प्रीतम लाल दुआ सभागृह में पुलिस ऑर्गेनाइज संगठन का 20वां साल गिरा है, उस सक्सेस पर कल मीटिंग होनी है, उस सक्सेस को लेकर के आप सभी आमंत्रित हैं, सभी 11 बजे प्रीतम लाल दुआ सभागृह में पहुंचे। सवेरे 5 बजे आर्मी वाले सभी पहुंच जाएंगे। वो भी जो उसके बाद वाले जय हिंद।